तो तुम टांगा चला दोगे ना? बाप भी वही काम करता था बाबू। अपने बस्ती में तो दो ही बिरादरी है बस, एक टांगे वाले और एक कारखाने वाले। पर आपके आने से कारखाने वाले बेकार हो गए बाबू। लेकिन कारखाने वालों से तुमने क्या मतलब है? मतलब समझे तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों का दिल एक। जब घर में आग लगता है तब तो सब बुझाने के लिए आता है ना बाबू। ठीक है, वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ रहे? दूसरा काम क्या ढूंढने के बाबू, अपने बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होता है। हाँ ठीक है, बाहर शहर में जाके काम कर ले बाबू। अब देश वाले को परदेश भेजना चाहते हो? अपने गली तो कुत्ते भी नहीं छोड़ के जाते हैं कुंदन बाबू। मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। आप अपना धंधा फैलाने आए हो बाबू, और इन गरीबों को भेज रहे हो बाहर हाथ फैलाने, ये कहाँ का इंसाफ है? कुंदन बाबू, हम तो सुनते आए हैं बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो बाबू? देखो भाई, मैं लोगों से ज्यादा बहस नहीं करता। पहले से कारखाने में काम ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती है, मैंने मशीन इसलिए लगवाई। वो ठीक है, लेकिन आप लोगों की जेब भी भरती रहे और गरीबों का पेट भी भरता रहे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकते है क्या? आप शराब पीते हो? हम गरीब आदमी इसके लायक कहा बाबू, आप अमीर लोग तो कुछ भी पी लेते हो, दाव चले तो कुछ भी पी लेते हो। शंकर, तुम झगड़ा बना रहे हो? नहीं बाबू, अमीर और गरीब का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस।